राजधानी लखनऊ कमिश्नरेट थाना वजीरगंज पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले दो लोगों को किया गिरफ्तार और भेजा सलाखों के पीछे। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो गिरफ्तार, तीन फरार। गैंग बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। अलीगंज से स्कूटी चोरी कर लूट की वारदात में किया प्रयोग। 26 मई व्यापारी कृष्ण गोपाल वर्मा के साथ 3,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए लुटेरे नवीन बाजपाई थाना मड़ियाव, गोपाल द्विवेदी थाना वजीरगंज क्षेत्र निवासी। लुटेरे के पास से 1,22,000 रुपए, एक स्कूटी बरामद कर लूट करने वाला लुटेरा गोपाल पूर्व में व्यापारी की दुकान पर काम करता था। क्राइम ब्रांच पश्चिमी क्राइम टीम वजीरगंज पुलिस समेत 6 टीमों ने लूट की वारदात का खुलासा किया। लूट का खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी ने 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वो रात 11 बजे के आसपास हमारे एक व्यापारी हैं यहियागंज में, उनसे 3.5 लाख रुपए की लूट जब वो अपने दुकान से घर जा रहे थे, 4 लोगों द्वारा की गई थी, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर। गंभीर घटना थी, इसलिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया कि इस घटना का तत्काल अनावरण हो और सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं और लूटे गए माल की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर सर के आदेश के अनुपालन में कई टीमें गठित की गई, जिसमें कमिश्नर सर की क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस की क्राइम ब्रांच, थाना वजीरगंज, इसके अतिरिक्त अन्य थानों से भी 2 टीमें बनाकर कुल 6 टीमें इसमें डिप्लाई की गई इस घटना के अनावरण के लिए। टीमों द्वारा परंपरागत और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया, मुखबिरों का संजाल फैलाया गया और कल घटना का अनावरण करते हुए आज प्रातः 2 अभियुक्तों क्रमशः नवीन वाजपेयी, जो वर्तमान में मड़ियाव थाना क्षेत्र में निवास करते हैं, और गोपाल द्विवेदी जो कुंडरी रकाबगंज के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।